सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में 48वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में ट्रेनिंग लिए देश भर से कोने कोने से आए 434 प्रशिक्षु आरक्षियों ने पासिंग परेड में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण समारोह में आईपीएस अधिकारी आईजी अमित कुमार व सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली। ये लोग 44 सप्ताह का ट्रेनिंग लेकर नव प्रशिक्षु आरक्षी अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने मातृभूमि की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, दंगा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे मामलों में सेवा देंगे। इस मौके पर आईजी अमित कुमार ने कहा कि राजगीर की यह भूमि ऐतिहासिक और पावन भूमि है, भगवान बुद्ध और महावीर की कर्मस्थली और धर्मस्थली है, सशक्त मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही। वीरों और महात्माओं की इस भूमि पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने अपने कैरियर और देश सेवा के लिए एक महान बल को चुना है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका गौरवशाली इतिहास है जो पूरे देश को गौरवान्वित करता है। सीआरपीएफ बल एक ऐसा बल है जो देश के आंतरिक सुरक्षा की विभिन्न आयामों जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और आम चुनावों में अपना भरपूर योगदान देते हैं। यह महान बल भारत में विभिन्नता में एकता की छवि को सच्चे शब्दों को प्रतिबिंबित करता है। समय के अनुरूप अपनी समायोजन की क्षमता और सत्यनिष्ठा के परिपालन में विभिन्न संवैधानिक निकायों में जनता के बीच पूर्ण विश्वास रखता है और लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि है। कि जो जिम्मेदारी इन नवरक्षियों को सौंपी जा रही है उस पर वह नवरक्षी खरा उतरेंगे तथा प्रशिक्षण के दौरान सीखे ज्ञान को अपने कर्म क्षेत्र में समावेश कर मानवता की सच्ची सेवा करेंगे। वह अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों का मुकाबला करने कर उन पर फतह हासिल करेंगे। जय हो भारत के नए खड़ंग, जय तरुण की देश सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नक्ष के नए लक्ष्य की अभियानी। महोदय, आपने आए तथा आत्मविश्वास एवं ओज से भरपूर प्रिय जवानों एवं उनके परिवारजन, आरटीसी राजगीर में आयोजित इस भव्य दीक्षांत समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे समक्ष ये 434 रणबांकुरे आज अपने तन मन से देश सेवा के कर्तव्य पथ पर समर्पित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पर मैं इन जवानों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। इन नवारक्षियों के अभिभावकों और इस प्रशिक्षण संस्थान के समस्त पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रशिक्षण की कसौटी पर कसकर कुंदन रूपी सैनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवारक्षी, आप आज जिस राजगीर की धरती से पास आउट हो रहे हैं, यह भूमि ऐतिहासिक और पावन रही है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की कर्म एवं धर्म स्थली रही है। सशक्त मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही और वीरों और महात्माओं की इस भूमि पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने अपने करियर और देश सेवा के लिए एक महान बल को चुना है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका ऐसा गौरवशाली अतीत है जो पूरे देश को गौरवान्वित करता रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ऐसा बल है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और आम चुनावों में अपना भरपूर योगदान देता है। यह महान बल भारत में विविधता में एकता की छवि को सच्चे शब्दों में प्रतिबिंबित करता है। समय के अनुरूप अपने समायोजन की क्षमता और सत्य निष्ठा के परिपालन में यह विभिन्न संवैधानिक निकायों और देश की जनता के बीच पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी प्रशंसा का पात्र है।
वर्तमान समय में इस बल सीआरपीएफ की अधिकांश बटालियन नक्सलवाद और